ऐसी धूप हो और भाई आपके आगे आ जाए फ्लाई ओवर और आपके हाथ में हो भाई ये हीरो की ऑप्टिमा, तो भाई अब आप क्या करोगे? मतलब भाई काफी ज्यादा डर जाओगे, क्योंकि भाई एक बात तो निश्चित है कि भाई ये जिस स्पीड से चढ़ेगी ना, वो इसका जो आगे इलेक्ट्रिक लिखा है ना, ये देख के ही आप समझ जाओ। आजकल की इलेक्ट्रिक भाई बहुत तेज चलती है, पर भाई इसमें इतना पिकअप टॉर्क कुछ ही नहीं है। तो यस, आज जो है हम टेस्ट करेंगे, अगर आपके पास होगी भाई कोई ऐसी टाइप की स्कूटी, मतलब भाई ऑप्टिमा टाइप की स्कूटी, HX हो, LX हो, कुछ भी हो, तो भाई कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एक फ्लाई ओवर पे चढ़ाने के लिए भाई अपनी स्कूटी। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो आप आगे फ्लाईओवर देख रहे हो ना भाई, देखने में छोटा लग रहा है, पर अभी आपको दिखाऊंगा भाई, चढ़ा के दिखाऊंगा इस पे कि कितना ज़्यादा ये भाई बड़ा है। और इधर जो है जाम भी लगा रहता है, तो भाई बीच बीच में जो है हमें रुकना भी पड़ेगा। देख सकते हो भाई कितना जाम है, तो चलो भाई एक बार उस पर जल्दी से चलना शुरू करते हैं। भाई अभी जो है यार स्टार्ट कर देते हैं इधर से, और भाई अभी जो है मैं बिल्कुल पूरी रेस रखूंगा, और भाई देखते हैं क्या जो है अपने रिजल्ट आने वाले हैं। और इधर देख सकते हो भाई स्टार्ट हो चुका है अपना फ्लाईओवर, और भाई 22 की स्पीड पे स्टार्ट हुआ है और ब्रेक लेने पड़ गए। और भाई ये देख लो, और ये देखो भाई पूरी रेस है, फ्लाईओवर शुरू हो गया है, 17 की स्पीड है, और भाई ये देखो साइड साइड में चलना पड़ रहा है, और ये देखो 18 होगी भाई स्पीड, और मेरे पीछे भाई एक बंदा और भी बैठा हुआ है, तो देखते हैं यार क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देखो भाई अभी जो है 20 की स्पीड है, और भाई 20 पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है भाई, कैमरामैन दिखाते रहे। और भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है स्कूटी चढ़ने में, पर चढ़ रही है यार। अच्छी बात ये है कि हम दोनों में से भाई किसी को भी जो है उतरना नहीं पड़ा है, और भाई बैटरी भी जो है इसमें लगभग भाई फुल है, बस 4-5 किलोमीटर चलाई है चार्ज होने के बाद। ये देखो भाई मतलब जो ये स्कूटी है ना भाई 20 से 21 भी नहीं गई है भाई, मतलब आप खुद देख लो। और अब जो है यार ये देख सकते हो भाई फ्लाई ओवर जो है ख़त्म हो गया, और अब ये चल रही है। अब जो है भाई इसका दोबारा से हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि भाई क्या कुछ रिस्पॉन्स है। तो भाई अब जो है यार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और भाई इस बार जाम भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, रेस पूरी दे दी है, और भाई फ्लाई ओवर जो है आप देख सकते हो स्पीड बहुत धीरे धीरे चढ़ रही है भाई। ये देखो भाई और अभी जो है यार 19 मैक्स स्पीड आ रही है, 19 से ज़्यादा जो है भाई नहीं आ रही है, और ये देखो भाई रेस पूरी है, ठीक है, इससे ज़्यादा रेस नहीं हो सकती है। और भाई फ्लाई ओवर देख सकते हो, और अभी भाई मान लो इधर जो है जाम लग गया और भाई हम रुक गए, ठीक है, और भाई अब देखेंगे दोबारा से इधर शुरू करके, ठीक है। ये देखो भाई अभी हम फिर रुक गए, और भाई ये देखो भाई पैर ऊपर कर लिए मैंने दोनों, रेस पूरी दे दी है, और भाई देखते हैं। भाई 15-17 ऐसे ही चढ़ता है, मतलब भाई अगर इससे भी ज़्यादा, मतलब ये जो है ना भाई नॉर्मल हाईवे है अपने गुड़गांव दिल्ली साइड में, ऐसे ही हाईवे होते हैं भाई, इनसे बड़े हाईवे नहीं होते इतने ज़्यादा। तो भाई अगर आपके पास ऑप्टिमा है और भाई आप जो है इसमें ट्रैवल करते हो, और भाई आपको डर है कि यार आपकी स्कूटी भाई फ्लाईओवर्स पे नहीं चढ़ पाएगी, तो नहीं यार, फ्लाईओवर्स पे जो है आपकी स्कूटी आराम से जो है चढ़ जाएगी। भाई मैंने जो है आपको टेस्ट करके बिल्कुल लाइव दिखा दिया है, अगर भाई इससे भी ज़्यादा स्टिफ फ्लाईओवर होगा तो भाई उसमें और ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। भाई यार जैसा कि आपने देखा इधर जो है फ्लाईओवर में ये आराम से चढ़ गया, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर एक फ्लाईओवर में चढ़ जाएगी, हालाँकि भाई ये फ्लाईओवर कम स्टिफ नहीं था, बेशक आपको भाई कैमरे में जस्टिस ना हो, पर भाई सही बता रहा हूँ ऐसे था भाई ये फ्लाईओवर बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था। और भाई मुझे तो ऐसा ये ज़्यादातर जो हाईवेज में है वो चढ़ जाएगी, पर भाई मैंने इसका जो है एक बेसमेंट में मैंने ये चढ़ा के देखी थी, आप इधर जो है वीडियो आ रही होगी देख सकते हो, तो भाई उस वाली वीडियो में इसने बहुत ही भयंकर काम करा था। ये वाली वीडियो भाई आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी। बाकी का हाँ भाई ऐसे नॉर्मल फ्लाईओवर्स में ये जो है भाई चढ़ जाती है, इतना दिक्कत नहीं होती है भाई। बस यार फिलहाल आज के इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।